नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट के इसरे में। मैं हूं अभिनव। दुनिया के अधिकतर देश में अब लीग खेलों की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आईपीएल की शुरुआत हुई, फिर बिग बैश लीग, इंटरनेशनल लीग, लंका प्रीमियर लीग और अब साउथ अफ्रीका टी20 लीग की शुरुआत कल से ही हो चुकी है। इस लीग का आयोजन पहली बार हो रहा है और इसमें सारे फ्रेंचाइजी भारतीय ही हैं जिनकी टीम आईपीएल में भी खेलती है। वहीं इस लीग की शुरुआत अलग अंदाज में हुई है, जहां कई नियम तो आईसीसी के बनाए गए नियम से काफ़ी अलग हैं। ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि साउथ अफ्रीका लीग ने आईसीसी के नियमों को तोड़ते हुए लीग की शुरुआत की है। आई वीडियो के जरिए जानते हैं कि आखिर साउथ अफ्रीका लीग में ऐसा क्या नया है। दरअसल कल से ही शुरू हुए साउथ अफ्रीका लीग में कई टी20 के नियमों में परिवर्तन किया गया है। इसमें सबसे पहले आता है पावर प्ले का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टी20 में पहला 1 से 6 ओवर तक का पावर प्ले होता है, उसमें थोड़ा परिवर्तन कर अफ्रीका लीग में इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक पावर प्ले 4 ओवर का तो दूसरा 2 ओवर का पावर प्ले होना है। वहीं इसके बाद दूसरे नियम में जो परिवर्तन किया गया वो ये है कि अफ्रीका लीग में ओवर थ्रो के रन नहीं मिलेंगे। टी20 या फिर क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में हम अक्सर देखते हैं कि जब फील्डर गेंद फेंकता है और फिर वो गेंद विकेट में लगकर ये मिसफील्ड होकर चौके की तरफ चली जाती है या बल्लेबाज रन लेता है तो उसे अतिरिक्त रन मिलते हैं, मगर साउथ अफ्रीका लीग में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तीसरे नियम में जो परिवर्तन देखा गया है वो ये है कि फ्री हिट पर अगर बल्लेबाज बोल्ड हो जाता है तो फिर वो रन नहीं भाग सकता है। बीते टी20 विश्व कप में हमने देखा था कि जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला खेला जा रहा था तब अंतिम ओवर में मोहम्मद नवाज की फ्री हिट गेंद पर विराट कोहली बोल्ड हो गए थे, मगर गेंद विकेट में लगने के बाद थर्ड मैन की तरफ चली गई थी और विराट 3 रन दौड़कर ले लिए थे। इसी नियम को अफ्रीका लीग में बदल दिया गया। इसके बाद इस लीग में यह भी नियम है कि कोई टीम टॉस के बाद भी प्लेइंग 11 में चेंजेस ला सकती है। टॉस से पहले 13 खिलाड़ियों के नाम बताना होगा, फिर टॉस के बाद उस 13 में से किसी 11 खिलाड़ी को टीम मैदान पर उतारेगी। इसके बाद साउथ अफ्रीका टी20 लीग में फैंस को बोनस पॉइंट भी दिखेंगे। इस लीग में जीतने वाली टीम को 4 अंक मिलेंगे। वहीं अगर जीतने वाली टीम ने अपनी विपक्षी टीम से 1.25 गुना बेहतर रन रेट रखा तो उस टीम को 1 बोनस पॉइंट भी मिल जाएगा, यानी कि वो टीम 4 की जगह 5 अंक ले सकेगी। वहीं अंतिम नियम में यह परिवर्तन आया है कि इस लीग में अगर टीमें अंक तालिका में बराबरी पर रहती है तो फिर लीग स्टेज में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली टीम आगे बढ़ेगी। अगर जीते मैचों की संख्या भी बराबरी पर समाप्त होती है तो फिर बात बोनस अंक पर आएगी। जिस टीम ने ज़्यादा बोनस अंक हासिल किए होंगे वो आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर बात यहाँ पर भी बराबरी पर ही रही तो फिर रन रेट के जरिए फैसला लिया जाए। तो अब देखना है कि क्या ऐसे नियम के बारे में आईसीसी भी विचार करेगा। हालांकि पहले भी कई नियमों में परिवर्तन किए जा चुके हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे और क्या चेंजेस देख सकते हैं इस लीग में और टी20 क्रिकेट फॉर्मेट में। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।